दिखाइए कहाँ है भामिका। आप तो कह रही थी वो यहाँ पार्टी करने आई है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। देवराज सर, कुछ देर पहले वो यही थी। मनोहर काका ने फोन करके हमें खुद बताया था कि वामिका यहाँ पे पार्टी कर रही है। मनोहर जी ने वामिका को देखा? हाँ, वो किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए यहाँ पे आए थे। उन्होंने वामिका को यहाँ देख, एक मिनट, हम आपको साबित करके बताते हैं। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। हेलो मनोहर जी, क्या आपने राजकुमारी वामिका को थोड़ी देर पहले किसी क्लब में देखा था? नहीं हुकुम, मैं ऐसा क्यों कहूंगा? एक मिनट, जरा फिर से कहिए, क्या आपने वामिका को क्लब में देखा था? नहीं हुकुम, मैंने उन्हें नहीं देखा। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने राजकुमारी कृषा से बात जरूर की थी, वो वेंडर्स की फाइल नहीं मिल रही थी, फिर पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, वो उनका हालचाल पूछा, बस इतनी बात हुई थी मेरी। मनोहर काका, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप ही नहीं तो हमें बोला था कि आपने वामिका को यहाँ रिस्को में देखा है, कि वो पार्टी कर रही है। नहीं कृषा बिटिया, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। काका, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आखिर मनोहर जी झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ, आपने देख लिया ना कि वामिका यहाँ नहीं है। देवराज सर, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमें नहीं पता कि मनोहर काका अपनी बात से क्यों मुकर रहे हैं। कृषा, बस कीजिए। सने? यस सर। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? तुम्हें पता है ना यहाँ इलेक्ट्रिक काम चल रहा है, अभी के अभी से लॉक करो। ए, इडियट, हम लोग अंदर हैं। देवराज और कृषा आपको यहाँ पर ढूंढते हुए पहुंच गए। जरा सोचिए, अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो ये पार्टी ना हम दोनों के लिए मातम बन जाएगी। फिलहाल इन्हें यहां से जाने दीजिए, आगे सोचते हैं कैसे निकलेंगे यहां से। ये तो गनीमत मानिए कि रेस्टोरेंट की तरफ जाते वक्त हमने इन दोनों को देख लिया था, वरना अगर कृषा और देवराज हम तक पहुंच जाते। देवराज सर, आप हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे? सच में हमने फोन में गलत नहीं सुना था, एक घंटे पहले वामिका यहीं पार्टी कर रही थी। अच्छा, वामिका झूठ बोल रही है, मनोहर जी झूठ बोल रहे हैं, बस एक आप ही हैं जो सच बोल रहे हैं, है ना? आपको देखना ना मामिका कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ मामिका कहाँ है। अब चलिए मैं शिव जी के मंदिर। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि मामिका वहाँ आपके लिए पूजा कर रही है, तो फिर आपको उन पे शक करना बंद करना होगा, समझिए आप। चलिए मेरे साथ। जय मां, देव तो शिव जी के मंदिर जा रहे हैं और हम यहाँ फंस गए हैं। आप कुछ कीजिए ना प्लीज। जो होंगी तभी तो हम सोच पाएंगे ना। बोले जा रही है, बोले जा रही है। एक तो यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, ये भी नहीं कर सकते कि बाहर किसी को कॉल करें और कहें हमें यहाँ से निकालिए। हमारा पर्दाफाश हो चुका है, वो कृषा देव के आगे सब भांडा फोड़ देगी हमारा, अब हम क्या करें? जस्ट काम डाउन वामिका, हम हैं, कुछ सोचेंगे, सोचेंगे कुछ।